त्याग किया, लेकिन भाग्य का अनुभव ऐसा कराया जो त्याग भी हमें त्याग महसूस नहीं हुआ। दुनिया में कोई छोटी सी आदत को छोड़ता है तो भी उनके दिमाग के अंदर साइकोलॉजी में वो बैठ जाता है, हमने ये छोड़ा है, हमने ये छोड़ा है, और बार बार सबके आगे उसका जिक्र भी करते ताकि उसको उस चीज का एप्रिसिएशन मिले, मोटिवेशन मिले, और उसको लगे कि हाँ मैंने जो छोड़ा है वो सही छोड़ा है। अगर कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, अगर कोई उसको शाबाशी नहीं देता है तो क्या होता है, वो मोटिवेशन भी वापस ख़त्म हो करके वो पुरानी आदत दुगना फोर्स से वापस आ जाती है। तो उनके लिए त्याग बहुत बड़ी चीज है, परंतु बाबा के बच्चों के लिए त्याग क्या है? क्योंकि बाबा ने हमारा भाग्य इतना स्पष्ट अनुभव करा दिया कि ये त्याग तो हमें त्याग ही नहीं लग रहा है। लगता है किसी को त्याग किया हमने, बहुत बड़ी चीजें छोड़ी है हमने, ऐसा महसूस होता है? नहीं। दो बातें जो आज बाबा ने स्लोगन में कही, विकारों का और विकर्मों का। विकारों का त्याग समझ में आता है, लेकिन विकर्म जो हो गए उसका त्याग कैसे करेंगे? तो उसकी जो जड़ है उसको पकड़ना जरूरी है कि विकर्म का कारण क्या है, विकर्म क्यों होते हैं। एक होता है पाप कर्म, दूसरा होता है विकर्म, दोनों में अंतर है। पाप कर्म होता है ये बड़े विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़े विकारों से जो कर्म हुए उसको कहेंगे पाप कर्म, और पाप कर्म को दग्ध ही करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। विकर्म जो है वो छोटे जो कमजोरियां हैं उससे होता है, पांच का बड़ा का छोटा, आलस्य अलबेलापन रोब या ईर्ष्या द्वेष छल कपट स्वार्थ, ये सब छोटे छोटे जो कमजोरियां हैं ये हमसे विकर्म करा देते हैं। दूसरी बात, विकर्म हमेशा अकेले होते हैं, अकेले करते हैं। जैसे झूठ बोल दिया, बिना कारण से झूठ बोल दिया, आलस्य में आकर के अमृत वेला मिस हो गया, गफलत हो गई बाबा की श्रीमत, ये छोटे छोटे विकर्म होते हैं जो अपने आप में होते हैं। लेकिन जो पाप कर्म है ना, उसमें दो या अधिक होते हैं तो ही पाप कर्म होता है। जैसे क्रोध करते हैं, एकदम ज्वाला निकलने लगती है, तो वो दो व्यक्ति जरूर चाहिए, सामने वाला भी उतना ही तेजी से क्रोध करता है, हम भी इतना तेजी से, मोह में भी दो जने चाहिए, अहंकार में भी दो जने चाहिए जो दोनों ही अपना अहंकार, और उसके कारण जैसे बड़े पाप कर्म हो जाते हैं, और उसका जो विकृत स्वरूप है वो और भी गहरा पाप अनुभव कराता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पाप कर्म अभी बच्चे तुम्हें नहीं करने हैं,
साकार मुरलियों में हमेशा हमने ये बात सुनी अव्यक्त मुरली में भी कि बाबा के बच्चे बनने के बाद अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। परंतु ये छोटी छोटी कमजोरी के कारण जो विकर्म होते रहते हैं ना, उसके प्रति कहीं ना कहीं एक केयरलेसनेस हमारे अंदर आई है कि हम सोचते हैं ये तो होता ही है ना। जो बाबा कई बार मुरलियों में अव्यक्त मुरलियों में भी कहते हैं कि बच्चे क्या सहूलियत लेते हैं, ये तो होता ही है ना, अभी संपूर्ण कहाँ बने हैं। ऐसे शब्द कहते हुए उन कमजोरियों को पाल के रखा कि छोटी सी है ना बात, अंत में संपूर्ण होने तक तो हम उसको भी समाप्त कर देंगे, एक दिलासा अपने आप को देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी कमजोरियों के आधार पर भी विकर्म धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अज्ञानी जो करते हैं उसका तो हिसाब एक का एक है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद, समझने के बाद, जब ऐसे विकर्म करते हैं, आलस, अलबेलापन, गफलत, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष को लेकर के, तो एक का 100 गुना, तो वो भी छोटा सा विकर्म नहीं बनता है, वो बहुत बड़ा विकर्म। इसलिए उसको त्याग करने के लिए कहा, यानी अब अटेंशन में आने की जरूरत है, ये गफलत भी हमसे न हो। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि अंतिम पेपर कहां से आएगा, अंतिम पेपर आएगा वही छोटी सी कमजोरी, लेकिन वो अंत तक खत्म नहीं होंगी, वो मैग्नीफाइड हो जाएगी, एकदम बहुत बड़े स्वरूप में हमारे सामने आ जाएगी, और वही हमें फेल करने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब विकर्मों का त्याग, विकर्मों का त्याग मतलब ये गफलत को अभी छोड़ो, ये जो हमसे गफलत हो रही है या डोंट केयर कर रहे हैं, केयरलेसनेस के कारण हो रही है, उसको अभी अटेंशन में आकर के अब इसका भी त्याग करो कि ये भी हमसे नहीं होने चाहिए। दूसरा जो कहा, विकारों को छोड़ो, बड़े बड़े विकारों को तो हमने छोड़ ही दिया, लेकिन ये छोटे छोटे विकारों के जो बाल बच्चे हैं वो अभी तक भी है, इसको कैसे त्याग करेंगे, कैसे त्याग किया जाएगा। बाबा के कमरे में जाकर चिट्ठी लिख करके बाबा को डाल करके जाएंगे, बाबा ये सारा कीचड़ा ले लो और हो जाएगा, नहीं। देखो जैसे ये कमरे में अंधेरा होता है ना, और अगर किसी को कहा जाए अंधेरे को निकालो, निकाल सकेंगे? क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। इसलिए अंधेरे को निकाला नहीं जा सकता है, प्रकाश को जलाओ तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। ठीक इसी तरह जो छोटे छोटे विकार है कमजोरी के रूप में, उसका त्याग नहीं होता क्योंकि अंधेरा है, और अंधेरे को निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं है, कमजोरी है। जैसे किसी का हाथ हिल रहा हो, उसको कहो हिलाओ नहीं, हिलाओ नहीं, अरे कमजोरी है ना।
या तो ताकत भरो, टॉनिक दो, विटामिन दो, जब ताकत भरेगी तो अपने आप स्थिर हो जाएगा। ऐसे ही इन कमजोरियों के कारण हमारा मन भी हिलता रहता है, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, इसका करे, इसका कहा हुआ करे, ऐसा बाबा ने तो कहा लेकिन, है ना। तो ये जो दुविधा वाली स्थिति अंदर में चल रही है, ये जो मन हिल रहा है, कमजोर हो गया है, इसलिए ये हिलता रहता है। अब कमजोरी को कहो त्याग करो, होगा नहीं, लेकिन ताकत भरो तो कमजोरी दूर, क्योंकि ताकत का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, तो शक्ति को आने दो। जितना अमृत वेले, आज हर इंसान अपनी कमजोरी कहाँ है वो तो जानता ही है, जानता है ना। कोई अगर आपको कहेंगे आपके अंदर ये कमजोरी है तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये तो आज ही हो गया। ऐसा कोई हमें कहेगा तो हम उसको ढकने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन अंदर में हम जानते हैं हमारी कमजोरी कहाँ कहाँ है, जानते हैं ना हर एक। अब जब कमजोरी को जानते हैं तो पहले तो ये एनालाइज करो, ये कमजोरी हमारे जीवन में क्यों आई, कौन सी शक्ति के अभाव के कारण ये कमजोरी जीवन में आई। जैसे मान लो किसी की कमजोरी है, गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक रीति से आ जाता है, तो ये गुस्सा क्यों आता है? क्या मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी इसलिए आता है? क्या मेरे अंदर धैर्यता की कमी है इसलिए आता है? क्या मेरे अंदर शांति की शक्ति की कमी है इसलिए आता है? कौन सी शक्ति की कमी है जिस कारण गुस्सा आता है? सहन शक्ति नहीं है तो गुस्सा आएगा, धैर्यता नहीं। कई लोगों के नेचर होते हैं ना, जल्दी करो, और कोई जल्दी नहीं करता है तो गुस्सा आता है, अरे इतना भी नहीं कर सकते, जल्दी इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहां शांति नहीं है इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो एनालाइज करो अपनी पर्सनैलिटी में कि ये जो कमजोरी मेरे जीवन में है, कौन सी शक्ति का अभाव है जिस कारण ये कमजोरी है। अच्छा, मान लो कि आपने महसूस किया कि सहन शक्ति की कमी है, या कईयों में तीनों की ही कमी हो, इसलिए गुस्सा बार बार आता रहता है। तो अब इसका त्याग करने की विधि, जो आज बाबा ने कहा इसका त्याग करो, तो इसके त्याग करने की विधि है कि अमृत वेले बाबा से उस शक्ति का आह्वान करो। शक्ति का स्रोत है बाबा, ये कमजोरी का स्रोत नहीं है, ये शक्ति का अभाव इसीलिए कमजोरी है। तो इसीलिए आवाहन करो शक्ति का। एक हफ्ते तक लगातार आप रोज अमृत वेले सहन शक्ति का आवाहन करो, आप देखेंगे हफ्ते के बाद आपके अंदर सचमुच आप उस सहन शक्ति से सशक्त हो जाएंगे। जब दूसरा हफ्ता फिर धैर्यता की शक्ति का आवाहन करो, और जैसे जैसे हफ्ते तक अपने धैर्यता की शक्ति का आवाहन किया, उससे सशक्त किया, फिर तीसरा सप्ताह शांति की शक्ति का आवाहन करो। साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 कमजोरियां तो नहीं होंगी, इतनी तो नहीं कमजोरियां होंगी, थोड़ी ही होंगी ना। तो साल के अंदर क्या होगा, संपूर्ण रीति से विकारों का त्याग होगा कि नहीं होगा, और उनसे जो विकर्म हो रहे हैं उसका भी त्याग होगा कि नहीं होगा।
सहजता से कर सकते हैं। एक प्लान अपना बनाओ, ये नहीं कि वो भी बैलेंस में नहीं है, एक दिन सहन शक्ति का या दूसरे दिन धैर्यता को, तो वो नहीं होगा। आपको पेशेंस रख के एक हफ्ता तक लगातार एक शक्ति का आवाहन करके अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा। बार बार अपने माइंड को वेवरिंग नहीं रखो, आज ये किया कल वो किया कल वो किया, उससे रिजल्ट नहीं मिलता है जो मिलना चाहता है चाहिए। इसलिए अपना जो कमजोरी आपको तकलीफ दे रही है, आपको क्या आपके साथ में दूसरों को भी तकलीफ दे रही है, वो भी चाहते हैं वो परिवर्तन देखने के लिए, आप खुद भी चाहते हैं कि मेरे अंदर से ये कमजोरी निकल जानी चाहिए, उसके ऊपर पहला काम करो और वो शक्ति का आवाहन करो, तो ये विकारों का त्याग कौन सी बड़ी बात है। इसलिए उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, तब ये त्याग त्याग महसूस नहीं होगा। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि बाबा ने एक मुरली चलाई थी, आप सबको भी याद होगा कि ये विकारों को परिवर्तन कर दो, परिवर्तन शक्ति को अपनाओ। जैसे बाबा ने कहा काम विकार को परिवर्तन करो, काम कहो कामनाएं कहो, उसका परिवर्तन कर दो शुभ कामना में, शुभ कामना प्रवाहित होने दो। जिस भी आत्मा को देखो उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना निरंतर प्रवाहित होती रहे, कल्याण की कामना उसके प्रति प्रवाहित होती रहे। जब हमारे अंदर से ये शुभ भावना शुभ कामना कल्याण की कामना प्रवाहित होने लगेगी तो वो काम विकार परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये विकार जो है विकृत स्वरूप है। कोई ना कोई जो पॉजिटिव क्वालिटी है या तो वो अति में चली गई इसलिए विकृत हो गया, जैसे बाबा कई बार कहते कि आज मनुष्य के अंदर मोह क्यों आ जाता है, टू मच स्नेह, प्रेम जो है जब अधिक हो जाता है पजेसिव हो जाता है तो वो विकृत हो जाता है और वही स्नेह वही प्रेम मोह का रूप धारण कर लेता है। तो या तो अभाव या तो एक्सेस, ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए तो नुकसान है। इसीलिए जो एक्सेस है, काम विकार भी आज दुनिया के अंदर बहुत एक्सेस में चला गया, तो कितना विकृत स्वरूप ले लिया। इसलिए बाबा कहे जब भी आप किसी को देखो, देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है, तो देह अभिमान को जब देखते हैं वो भी विकृत स्वरूप में आ गया एक्सेस में चला गया, तो देह अहंकार हो गया कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, विकृत हो गया ना। तो एक्सेस भी विकृत हो जाता है या अभाव भी विकृत हो जाता, वो कमजोरी बन जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे कि देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है, जो देह अभिमान देह अहंकार का रूप ले लिया, अब बाबा कहे बच्चे जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ। और अब बाबा ने हम बच्चों को नए जन्म में नई स्मृति ये दी, तुम ये देह नहीं आत्मा हो। सुंदर भाव जागृत किया कि तुम देह नहीं हो आत्मा हो। तो देह अभिमान के बदले आत्म अभिमानी बनने लगे, परिवर्तन हो गया।
देही अभिमानी हो गए, और यही देही अभिमानी स्थिति या आत्म अभिमानी स्थिति हमें वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में ले आती है, अनादि स्वरूप में सहजता से ले आती है। तो जब आत्म भाव में स्थित करते हैं, हर एक को आत्म रूप में देखने लगते हैं, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी आत्मा है, तो जो काम विकार की विकृति है वो भी समाप्त हो जाती है, और शुभ कामना में उसका भी कल्याण हो जाए ये कामना हमारे अंदर से स्वतः निकलने लगती। सभी बाबा के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई है। तो इसीलिए देह अभिमान अगर जड़ है सब विकारों की, तो देही अभिमानी आत्म अभिमानी उसको परिवर्तन करने का श्रेष्ठ आधार है, इसको त्याग करने का श्रेष्ठ आधार है, जो महसूस भी नहीं होगा कि हमने छोड़ा है। इसीलिए आत्मिक भाव से, जैसे बाबा ने दो दिन पहले ही कहा कि कई बच्चे बाबा को कहते, बाबा मेरे पति का बुद्धि का ताला खोलो, इसका ताला खोलो, उसका, आप क्यों समझते हैं ये मेरे हैं? ये भी एक विकृति है। लेकिन बाबा ने कहा, आपकी शुभ भावना है इसका ताला खुले, तो आप बाबा के सामने ये नहीं कि मेरा पति है इसलिए इसका ताला खोलो, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना ये प्रवाहित होने दो, ये भी एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है, और बाबा का बच्चा है तो इस आत्मा का भी कल्याण हो, ये शुभ भावना हो गई, ये बेहद की कामना हो गई, है ना। जहां तक मेरा आया तो मेरा क्या होता है, वो शुभ कामना को प्रवाहित नहीं होने देता है, पहुंचने नहीं देता है, मेरा ये ब्लॉकेज है। जिस तरह मैंपन एक ब्लॉकेज है, तो मेरा भी तो एक ब्लॉकेज है। इसीलिए हमारी शुभ भावना कल्याण की कामना होने के बावजूद भी उसको पहुंचती नहीं है, वो रुकावट हो जाती है। इसीलिए जैसे ही आत्मिक भाव को विकसित करते कि ये भी एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है, और इसका भी कल्याण हो जाए, और इस तरह से अर्जी बाबा के पास रखते, मर्जी बाबा की, बाबा उसका तीनों कालों का पार्ट जानते हैं, और पार्ट को जानते हुए बाबा उसके समय पर अपने आप ड्रामा के अंदर उसका पार्ट खुलने का वो योग आ जाएगा। लेकिन हम विचलित न हो जाए कि बाबा क्यों इतना नहीं करता है, उसकी बुद्धि का ताला क्यों नहीं खोलता है, क्यों नहीं, अरे मेरा योग क्या है फिर बाबा के साथ, है क्या, है ही नहीं। हमारा योग तो उसी आत्मा के साथ हो गया ना, तो वो कर्म बंधन बढ़ाएगा या कम करेगा? इसीलिए बाबा कहे कि इतनी शुभ भावना के, शुभ कामना के रूप में उसको परिवर्तन करो, ये विकृत स्वरूप को भी परिवर्तन करो। क्रोध अग्नि है तो योग अग्नि में उसका परिवर्तन करो, इतना जैसे स्वयं के अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए जो हमारे भी पाप कर्म को दग्ध करने के निमित्त बने, इतनी क्रोध अग्नि को परिवर्तन करो। क्रोध है ना, तो उसको उस पाप कर्मों के ऊपर योग अग्नि का रूप लेकर के उसको परिवर्तन करो। मोह को परिवर्तन करो स्नेह में, स्नेह हर आत्मा के प्रति है, स्नेह सर्व के प्रति है, हर आत्मा, भाई मेरे परिवार वाले ही मेरे हैं ये नहीं, लेकिन सभी अड़ोसी पड़ोसी, पूरा गांव जो है या शहर जो है, वो सब बाबा के बच्चे हैं, उस बेहद की फीलिंग में चले जाओ। और जब बेहद की फीलिंग में चले जाते हैं,
और उन सब आत्माओं के प्रति ऐसे स्नेह की धारा को प्रवाहित करो कि सब आत्माओं का भी कल्याण हो। ये स्नेह की धारा, कल्याण की धारा निरंतर प्रवाहित होने लगे। इसी को बाबा कहते रहम दिल हो गए। इसी तरह लोभ वृत्ति, चाहिए 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 की चाहना, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि जितना यहां चाहिए चाहिए की चाहना रहती है उतना ही वो प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन आप उस स्वरूप में आ जाओ कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, और उसके बदले लोभ रखो तो ज्ञान रत्नों का लोभ रखे, क्योंकि बाबा ने कहा यही ज्ञान रत्न भविष्य में क्या बन जाएंगे, स्थूल में रत्न बन जाएंगे। स्थूल में इतनी प्राप्ति का अनुभव कराएगा, तो लोभ रखे तो ये रखे, है ना। तो पांचों विकारों को उसके शुद्ध स्वरूप में परिवर्तन करो, वापस उसी में ले आओ। तो जो अभाव है उसको तो निकाला नहीं जाता, उसको शक्ति से भरो, और जो एक्सेस हो गया है उसको भी बैलेंस करो, है ना। और बैलेंस करने से क्या होगा, अपने अनादि स्वरूप में आप स्वयं को पाएंगे। जो हमारा ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप परमधाम का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप में हम वापस आ जाएंगे। और उस स्वरूप में जैसे स्थित हुआ तो त्याग क्या किया हमने, त्याग किया, त्याग तो हुआ ही नहीं। तो खुशी होने लगेगी, महसूस होने लगेगा। जहां कोई ना कोई एक्सेस या अभाव की बात आई वहां खुशी गायब। वो क्या महसूस कराएगा, पांच चीजें महसूस कराएगा। या तो लगाव हो जाएगा, या तो टकराव हो जाएगा, संस्कारों का टकराव होने लगेगा, या तो अभाव महसूस कराएगा, या तो प्रभाव में आ जाएंगे, किसी न किसी चीज के प्रभाव में आ जाएंगे, और या तो तनाव होगा। तनाव माना दबाव में आ जाएंगे। तनाव क्यों होता है, जब अपने ही पुराने संस्कारों का दबाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है, यही तो तनाव क्रिएट करता है। तो ये पांच बातें अनुभव कराएगा, इससे पता चलता है कि हाँ हम किसी न किसी कमजोरी के या एक्सेस वाले चीज के वशीभूत हो गए, या लगाव हो गया चीज वस्तुओं से या व्यक्ति से, या टकराव होने लगा संस्कारों का, या तो अभाव महसूस करने लगे, कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कमी दूसरों के देखते ही अंदर में ईर्ष्या आती है, फिर उसके पास ये चीज है मेरे पास नहीं है, अभाव महसूस किया ना। अरे बाबा ने कहा ये सारा विश्व आपका होने वाला है, तो अभी से उसको फील करो कि उस समय जब सब कुछ हमारे पास होगा, वो समय वो स्थिति हमारी कैसी होंगी, तो अभी से उसको महसूस करो। हम ही प्रकृति पति है, हम ही माया पति है, ये रचना ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कमजोरी है। तो फिर उसके ऊपर जीत प्राप्त करना सहज हो जाएगा। तो ये पांच बातों का अभाव महसूस तो जहां आई, अभाव तनाव कहो, दबाव कहो, और प्रभाव, ये पांच बातें जहां आई वहां समझ लेना कि किसी न किसी विकार कमजोरी के वशीभूत हम हुए हैं। इसीलिए कहा जीते जी मर जाना। बाबा जब भी कहते हैं जीते जी मर जाओ,
बहुत समय हो गया वो गीत बाबा का बजा नहीं है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हमेशा उस बात को लेकर के बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे जीते जी मर जाओ। जब भी कोई इंसान मरता है ना तो तीन चीज परिवर्तन हो जाती है। कौन सी तीन चीज परिवर्तन होती है? पहला तो तन परिवर्तन होगा, ये पुराना तन छोड़ दिया नया तन मिलेगा, तो पहला परिवर्तन ये तन का होगा। दूसरा संबंधों का, पुराने संबंध मालूम पड़ता है नए संबंध में जब जाते हैं तो, कि कौन था कौन थे वो सभी मालूम ही नहीं, तो संबंध परिवर्तन हो जाते हैं। और तीसरा स्थान परिवर्तन हो जाता है। ये तीन चीज परिवर्तन होना माना ही मरना। अब देखो मेरा ये तीन चीज परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है क्या? चोला या नाम बदल गया तो देह से आत्म स्थिति में आए हैं? हर चीज में आत्मिक रूप हमारा इतना विकसित हुआ है? ये नया चोला है हमारा, लक्ष्य हमें बाबा ने दिया है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। अब नया चोला लेना है हमको, फरिश्ता चोला। फरिश्ता अर्थात जिसका किसी से रिश्ता नहीं, हमें ज्ञान तो सब में है ना, तो इसीलिए ये फरिश्ता चोला मेरा बना है। चोला चेंज, वो देह अभिमान वाला चोला उतार करके बाबा ने हमें नया चोला दिया, एक फरिश्ता चोला। और हर वक्त लाइट रहना है, फरिश्ता माना लाइट। कहां कहां लाइट निशानी चाहिए? मन, मन हल्का हुआ है, व्यर्थ विचार और नेगेटिव विचारों के कारण भारीपन तो नहीं है? देखो मन की लाइटनेस है या भारी है, जितना व्यर्थ विचार नेगेटिव विचार होगा इतना भारीपन होगा। दूसरा वाणी में लाइटनेस, अर्थात किसी को मोटिवेट करने वाले शब्द निकलते हैं, खुशी वाले शब्द निकलते हैं, उमंग उत्साह देने वाले शब्द निकलते हैं, लाइटनेस। कि हमारे संग में जो आए वो कहे इसकी बातें जब भी सुनते हैं ना हल्के हो जाते हैं, जैसे हमारा बोझ भी खत्म हो जाता है। आप जहां काम करते हो और अच्छी कोई ज्ञान की बात आप सुनाते हैं तो दूसरे भी अच्छा आज आपके बाबा ने क्या कहा आते हैं ना, और आप उनको कोई भी एक ऐसी पॉइंट सुना दो, कहते हैं जब भी इस व्यक्ति के पास बैठते हैं ना ये हमारा बोझ भी जैसे खत्म कर देता है, हमारा टेंशन भी खत्म कर देता है। कहते हैं आपके पास बैठना भी अच्छा लगता है हमको, कहते हैं ना ऐसे लोग, आपके पास में बैठना भी हमें अच्छा लगता है। तो हमारी वाणी ऐसी है जो हल्का कर दे किसी को, मोटिवेट करे, खुशी भर दे उनके अंदर, ये है फरिश्ता सचमुच हम बनने लगे हैं। कर्म में लाइटनेस, अर्थात हर वक्त ये स्मृति में रहे करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं, तो भारीपन नहीं लगेगा। बाबा कराने वाला है, करण करावनहार करा रहा है तो कितना हल्के रहेंगे, है ना? तो कर्म में लाइटनेस आने लगेगी। फिर संस्कारों में लाइटनेस, संस्कारों में लाइटनेस अर्थात संस्कारों में सरलता सहजता, जितना हमारा नेचर ऐसा हो सरलता सहजता वाला उतना हमारे संस्कारों में लाइटनेस स्वतः आ जाएगी। और पांचवी बात कि हमारे संबंधों में लाइटनेस, संबंध में जो भी आए, संपर्क में जो भी आए
वो आत्मा भी हमारे उस ओरा में आते ही महसूस करे लाइट हो गए। कई बार कई लोग आपके घर में आते हैं तो क्या कहते हैं, आपके घर में इतनी शांति लगती है ना, अच्छा लगता है, कहते हैं ना। संबंध संपर्क में जो आए वो भी महसूस करे कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है। दूसरे लोगों के पास जाने में लोगों को खतरा महसूस होता है, लेकिन वो आपके पास आकर के महसूस करे इसके पास कोई खतरा नहीं। ऐसे संबंध संपर्क हमारा हो तो ये पांचों बातों की लाइटनेस माना चोला बदली हो रहा है। दूसरा, संबंध बदल गया बाबा का बनने से। संबंध कौन से बदल गए? सर्व संबंध एक बाबा के साथ, सर्व संबंधों की रसना बाबा के साथ। रहना उसी गृहस्थ में है लेकिन वहां निभाना है, तोड़ निभाना है, लेकिन रिश्ता हमारा बाबा से है। तो बाबा के साथ जब रिश्ता होगा ना तो हमारा जीवन कमल समान बन जाएगा, न्यारा और प्यारा। रहना उसी कीचड़ में है लेकिन न्यारा। रिश्ता सर्व संबंध हमारा बाबा के साथ, तो कमल के फूल की तरह। और कमल के फूल से फिर क्या बनेंगे आगे? गुलाब का फूल बनना है। पहले कमल का फूल बनना पड़ेगा। रहना उधर ही है, तोड़ निभाना है, लेकिन न्यारा प्यारा होकर के तब जाकर के गुलाब बनेंगे। गुलाब जो होता है ना, जब पूरा खिल जाता है तो अपनी पंखुड़ियों को स्वतः झड़ देता है और बीच का बूर रह जाता है। ठीक इसी तरह हम भी जब परिपक्व अवस्था को पा लेते हैं बाबा के साथ, सर्व संबंधों में परिपक्व जब हो जाते तो गुलाब की तरह बाकी सारी पंखुड़ियां छड़ जाती है, एकदम छूट जाती है। और बीज का बूर माना अशरीरीपन की अवस्था, घर गृहस्थ में रहते हुए भी अशरीरीपन की अवस्था को सहज अनुभव कर सकते हैं। ये है विकारों का त्याग, विकर्मों का त्याग। और तीसरा, एड्रेस भी बदल गया। एड्रेस कौन सा है हमारा? मधुबन। वो स्थान उल्लासनगर क्या है? सेवा स्थान है। और ये क्या है? परमानेंट एड्रेस मधुबन है। है ही हम मधुबन निवासी। मधुबन निवासी है ना कि उल्लासनगर निवासी है? हाँ, मधुबन निवासी है ना। तो तीनों ही तो बदल गया हमारा। तो मर गए कि नहीं मरे? अभी कोई अर्ध मरा है? है कोई अर्ध मरा? नहीं है ना कोई भी? मर गए पूरा है ना। तो इसीलिए कहा विकारों का त्याग, विकर्मों का त्याग, उसके लिए जीते जी मर जाना जरूरी है। और लास्ट में एक बात कहूंगी जो बाबा हमेशा हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्र को घुमाओ, 8 बार घुमाने के लिए कहा है बाबा ने। ये 8 बार घुमाना मतलब 8 बार घुमाने से ही हम इनका सहजता से त्याग यानी उसका गला ही काट देंगे, रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा? संपूर्णता की स्थिति। तो स्वदर्शन चक्रधारी बन करके रहना, ठीक है? ठीक है। तो बाबा का एक स्लोगन, लेकिन स्लोगन की गहराई कितनी है, है ना? कितनी गहराई सुनी? सहज होगा या मुश्किल होगा? सहज होगा ना। अच्छा, ओम शांति।